हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? कैसी पढ़ाई चल रही है? मैं हूं रियाज सर। हम ड्रग्स को डिस्कस कर रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को, जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर है बेटा, इसी को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीहिस्टामिन्स की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीहिस्टामिन्स की बेटा। लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको एंटीपायरेटिक पढ़ाया था, एनाल्जेसिक्स पढ़ाया था, एंटीमाइक्रोबियल्स पढ़ाया था, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स पढ़ाया था, एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स को भी हमने डिस्कस पूरी अच्छी तरह से डिस्कस किया है। सर 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 प्लीज सर। जी बेटा। सर लास्ट लेक्चर में नहीं आया था। सर प्लीज इसको रिपीट करो। लास्ट लेक्चर जो हमारा था बेटा, उसमें हमने डिस्कस किया था एंटीबायोटिक्स को। मैंने आपको कहा था एंटीबायोटिक्स उन केमिकल सबस्टेंस को कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होंगे और वो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करेंगे या उनकी ग्रोथ स्टॉप करेंगे। अगर उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल किया तब उनका नाम है बैक्टीरियसाइडन। अगर उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप किया तब उनका नाम है बैक्टीरियोस्टैटिक। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक को हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, एक को हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। जो दोनों बैक्टीरिया के लिए यूज होगा उनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, जो दो में से एक ही के लिए यूज होगा उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराई थी। पेंसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जो डिस्कवर हुआ था, जिसको डिस्कवर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1929 में। ठीक है बेटा। और क्लोरम्फेनिकॉल के एग्जाम्पल मैंने बताई, टेट्रासाइक्लिन बताया, स्ट्रेप्टोमाइसिन बताया, पेंसिलिन के, एमाक्स एम्पिसिलिन, एमाक्सिलिन, ये सारे बेटा एग्जाम्पल हैं एंटीबायोटिक्स के। थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम डिस्कस करने वाले एंटीस्टामिन्स। सर और कितने ड्रग्स हैं? बस बेटा दो या तीन हैं। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। आप रिवाइज करो। आपने बोर्ड में 6 मार्क्स हासिल किए, 3 मार्क्स हासिल किए हैं और नीट जेई में 4 मार्क्स हासिल किए। ठीक है। ओके सर। चलो बेटा देखो बेटा, एंटीस्टामिन्स ज्यूरिंग एलर्जी, एलर्जी के दौरान कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं बॉडी में जिनको हम हिस्टामिन्स कहते हैं। उन्हीं हिस्टामिन्स का एक्शन खत्म करने के लिए, डिमिनिश करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस आप यूज करोगे उनको हम एंटी हिस्टामीन्स कहते हैं। हिस्टामीन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एलर्जी के दौरान रिलीज होते हैं। उन केमिकल कंपाउंड्स का एक्शन खत्म करने के लिए, उनका इफेक्ट डिमिनिश करने के लिए जो हम केमिकल सबस्टेंस यूज करते हैं उन्हीं सबस्टेंस को हम एंटी हिस्टामिन्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे इनको एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं।
क्योंकि ये एलर्जी के काम, एलर्जी को क्योर करने में यूज होते हैं। इतना ठीक है बेटा? जी सर। ओके बेटा, जो कॉमन एंटीहिस्टामिन्स हैं, एंटीहिस्टामिन्स हैं, उनमें आप कम से कम दो को याद रखोगे। एक डाई फिनाइल हाइड्रामीन, जिसको हम बीना ड्राइल भी कहते हैं, और एक प्रोमिथाजीन। इन दो को आप याद रखोगे, डाई फिनाइल हाइड्रामीन और प्रोमिथाजीन। इसी तरह ये बाकी भी जीट हैं, इविल हैं, ये सारे बेटा एंटीहिस्टामिन हैं। एक एग्जांपल याद होनी चाहिए आपके बोर्ड के लिए, और नीट के लिए आपको सारे एग्जाम्पल्स रिमेंबर करनी होगी। और सारे एग्जाम्पल में कम से कम दो एग्जाम्पल, एक डाइफिनाइल हाइड्रामीन, जिसको हम बीना ड्राइल भी कहते हैं, और एक प्रोमिथाजीन। इसी तरह सिट्रीजीन भी है बेटा, यहाँ पे नहीं लिखा है, सिट्रीजीन भी है, जो यूज होता है एंटीस्टामिन, एंटी एलर्जिक ड्रग्स। ठीक है जी बेटा, आप मुझे बताओ। जी सर। सर एंटीस्टामिन्स, जो एंटीस्टामिन्स हैं सर, वो उन केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जिनका काम है हिस्टामिन, जो एलर्जी के दौरान रिलीज होते हैं, उनके इफेक्ट को खत्म करना। अरे आप तो बहुत चालाक निकले, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो बेटा ठीक है। सर 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 एक बार प्लीज रिपीट करो ना सर, प्लीज। जी बेटा, वो ड्यूरिंग एलर्जी बेटा कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिनको हम हिस्टामिन्स कहते हैं। जो हिस्टामिन्स का इफेक्ट है, उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए, उस इफेक्ट को डिमिनिश करने के लिए जो आप केमिकल सब्सटेंस यूज करोगे, उनको हम एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं। अब क्लियर है? जी सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, साथ साथ में कॉपी करो, कहानी की तरह मत सुनो, नोट्स बनाओ, साथ साथ में रिवीजन करो। ठीक है बेटा? जी सर। ओके चलो नेक्स्ट। कॉपी किया? जी सर। अब है एनेस्थेटिक्स, एट्थ वाला है हमारा एनेस्थेटिक्स। देखो, जब किसी का सीजर होता है, सीजर के दौरान बहुत ज्यादा पेन होगी, इसलिए पहले हम कुछ केमिकल्स को यूज करते हैं जो इनसेंसिबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। उन्हीं केमिकल सब्सटेंस को हम एनेस्थेटिक्स कहते हैं। अरे बेटा, जब किसी का ऑपरेशन होगा, सीजर होगा, उसको तो बहुत ज्यादा पेन करेगी, उसको तो कट करना होगा, कट करने के लिए हम पहले कुछ सब्सटेंस को यूज करते हैं विच प्रोड्यूस इनसेंसिबिलिटी। उन्हीं सब्सटेंस को हम एनेस्थेटिक कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक को हम जनरल एनेस्थेटिक्स कहते हैं, दूसरे को हम लोकल एनेस्थेटिक्स कहते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स वो हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही डिप्रेस करते हैं, सो दैट कोई पेन फील नहीं होगी। उसकी एग्जाम्पल है बेटा सोडियम, यहां पे बेटा सोडियम पेंटोथा, ये एग्जाम्पल है बेटा जनरल एनेस्थेटिक की। जनरल एनेस्थेटिक ऐसे एनेस्थेटिक्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। इनकी एग्जाम्पल है सोडियम पेंटोथा, या हम यहां पे इनको यूज करते हैं जो जनरल एनेस्थेटिक हैं, दे मे बी यूज्ड इन फॉर्म ऑफ गैस। फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरो
प्रोपेन है, इसी तरह इथिलीन है, इसी तरह ईथर है। इन सभी को हम जनरल एनेस्थेटिक कहते हैं। अब बेटा लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक दे दीज एफेक्ट ऑन ए पार्ट ऑफ बॉडी। यहां पे सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होता है, यहां पे कोई पार्ट ऑफ बॉडी एफेक्ट होता है। इनमें हम ज़ाइलोकेन यूज करते हैं, ज्यादातर वो जली की फार्म में होता है। इथाइल क्लोराइड यूज करते हैं, स्प्रे के फार्म में होता है। और प्रोकेन यूज करते हैं, इंजेक्शन के फार्म में होता है। ठीक है, या हम प्रोकेन को यूज करेंगे, या हम इथाइल क्लोराइड को यूज करेंगे, या हम ज़ाइलोकेन को यूज करेंगे। ये बेटा ऐसे एनेस्थेटिक होते हैं, ये किसी पार्ट को अफेक्ट करते हैं, इनको हम लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। इतना क्लियर है? जी सर, बताओ किन सब्सटेंस को हम एनेस्थेटिक कहते हैं? सर जो प्रोड्यूस करेंगे इनसेंसिबिलिटी। ओके बेटा, कितने तरह के होते हैं? दो के। एक को हम क्या कहते हैं? जनरल एनेस्थेटिक। बताओ किसको ये डिप्रेस करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसके एग्जांपल क्या है? सोडियम पेंटोथल। इसी तरह लोकल एनेस्थेटिक है बेटा। बताओ किसको अफेक्ट करते हैं? एक पार्ट ऑफ बॉडी को। इनकी एग्जांपल ज़ाइलोकेन है सर, इथाइल क्लोराइड है सर, प्रोकेन है। बताओ प्रोकेन किस फॉर्म में यूज होता है? इंजेक्शन के फॉर्म। ओके बेटा, इतना क्लियर है? चलो आगे। अब हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैंक्विलाइजर्स या हिप्नोटिक्स। देखो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हम यूज करेंगे स्ट्रेस को कम करने के लिए, टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, उन केमिकल सब्सटेंस को हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं या हिप्नोटिक्स कहते हैं। वो सब्सटेंस बेटा जो हम यूज करेंगे स्ट्रेस को कम करने के लिए, मेंटल डिजीजेस के लिए यूज करेंगे, टेंशन को कम करने के लिए, उनको हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं या उनको हम हिप्नोटिक्स कहते हैं। दे आर यूज टू रिड्यूस मेंटल टेंशन या रिड्यूस। इतना क्लियर है? लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ये जो बेटा ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, ये डेरिवेटिव होते हैं बेटा, डेरिवेटिव किसके? बारबिट्यूरेट्स के। बारबिट्यूरेट्स उन सब्सटेंस को कहते हैं जिनका काम होता है स्लीप इंड्यूस करना, जो स्लीप को प्रोड्यूस करेंगे उनको हम बारबिट्यूरेट्स कहते हैं। उन्हीं के डेरिवेटिव होते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ये गजब का पॉइंट है भाई। अरे भाई इसको नोट करो भाई साहब, गजब का पॉइंट है। ठीक है, इसलिए इनको हम साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स भी। ठीक है ना, क्योंकि इनसे टेंशन कम होता है, इनसे स्ट्रेस कम होता है, इनसे मेंटल टेंशन कम होता है, इनको हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं, एंटीसेप्टिक। अब देखो एक होता है सिडेटिव्स, एक होता है एंटी डिप्रेसेंट्स। सिडेटिव्स और एंटी डिप्रेसेंट का क्या है? वो जो फॉलिंग, मतलब जिनका काम होता है बेटा किसी तरह, सिडेटिव ऐसे होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सुप्रेस करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो मेंटली एजिटेटेड वायलेंट पेशेंट्स होते हैं इनको सिडेटिव दिए जाते हैं। क्यों? इनके हाई डोज देने से इनमें स्लीप इंड्यूस होती है। ठीक है, सिडेटिव्स बेटा
हिप्नोटिक्स या वो ट्रैंक्यूलाइजर्स की तरह होते हैं जिनका काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को सप्रेस करना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्टॉप करना, जिसकी वजह से उनमें इंड्यूस स्लीप होती है, इनके हाई डोज देने से स्लीप होती और ड्यू टू स्लीप इनमें रिलैक्सेशन होती है, इनमें रिलैक्सेशन होती है। ठीक है बेटा, इसी तरह जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं ये उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिनकी कॉन्फिडेंस शटर्ड होगी, मतलब वो कहेंगे अरे हम कामयाब नहीं हो जाएंगे, ऐसा है हमने वो किया ये किया, उनके लिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए मूड बूस्ट करने के लिए इन ड्रग्स को यूज करते हैं। इसलिए बेटा हम इनको मूड बूस्टर्स भी कहते हैं, इन ड्रग्स को हम मूड बूस्टर्स भी कहते हैं। चलो बेटा, उन केमिकल सब्सटेंस को हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं जिनका काम है स्ट्रेस कम करना, टेंशन कम करना, मेंटल टेंशन कम करना, उनको हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं या हिप्नोटिक्स कहते हैं। अब सिडेटिव और एंटी डिप्रेसेंट कौन से हैं बेटा? सिडेटिव वो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, ठीक है, जो मेंटली वायलेंट पेशेंट्स होते हैं उनको ये दिए जाते हैं, उनसे उनमें स्लीप इंड्यूस होती है, जब स्लीप इंड्यूस होगी उनमें थोड़ी रिलैक्सेशन आती है, उनको हम सिडेटिव कहते हैं। एंटी डिप्रेसेंट उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनकी कॉन्फिडेंस में गड़बड़ होता है, जिनकी कॉन्फिडेंस शटर्ड होती है, वो कहते हैं हम कहाँ कामयाब हो जाएंगे, इतने बच्चे नीट के एग्जाम दे रहे हैं, मैं तो कामयाब नहीं हो जाऊंगा, इस साल कोरोना की वजह से पूरी पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में हर जगह पे सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, प्रॉब्लम हुई, वो इसी में परेशान होते हैं। इसलिए इनको कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो हम केमिकल सब्सटेंस यूज करेंगे ऑन केमिकल सब्सटेंस को हम एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल कौन कौन सी है ट्रैंक्विलाइजर की, एग्जांपल याद रख लेना, आप याद रखो, आज दिल एक तोड़ने वाला है, ऐसे याद रखो, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बेटा। जब कोई दिल तोड़ेगा तभी टेंशन हो जाएगा, यस। ए का मतलब है एल्प्रेजोलोन, डी का मतलब है डायजेपाम, ई का मतलब है इक्वेनल, टी का मतलब है टेंशन के लिए यूज होते हैं, और वी का मतलब है वेलियम, लिख लेना साथ साथ, ए का मतलब है एल्प्रेजोलोन, डी का मतलब है डायजेपाम, E का मतलब है इक्वेनल, V का मतलब है वेलियम, ये सारे यूज होते हैं एज ट्रैंक्विलाइजर्स, एल्प्रेजोलोन, प्रेजोलोन, डायजेपाम, इक्वेनल, वेलियम, दीज आर यूज्ड एज ट्रैंक्विलाइजर्स। इतना क्लियर है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैं हूं आपका रियाज सर, चीजों को कॉपी करो, अच्छे से रिवाइज करो, हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर कॉपरेशन।